तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं ब्लैक मोर मेल और फीमेल गोल्डफिश के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि गोल्डफिश को मेल और फीमेल किस तरह फाइंड आउट करें। उसको बहुत लोगों ने पसंद भी किया, 70,000 लोगों से ज़्यादा उस वीडियो को वॉच किए हैं, थैंक्स फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं ब्लैक मोर गोल्डफिश के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि गोल्डफिश ब्लैक मोर गोल्डफिश की मेल और फीमेल की डिफरेंसेस के बारे में वीडियो बनाइए। बहुत देरी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो चलिए आज हम इसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं। ब्लैक मोर गोल्डफिश जो है बहुत अलग कलर होती है, जो ब्लैक कलर में पाई जाती है, और इनको मेल फीमेल फाइंड आउट करना जब छोटी होती है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि एक एवरेज साइज पर पहुंच जाए तो इनको आप मालूम कर सकते हैं। जब तक कि एक साल की ना हो जाए ब्लैक मोर गोल्डफिश, जब तक आप इसको बताना बहुत मुश्किल होता है कि ये एग्जैक्टली मेल है या फीमेल। उससे पहले लोग बता देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं रहता, 100% सही नहीं रहता। 100% सही के लिए ज़रूरी है कि आप एक साल तक की गोल्डफिश ब्लैक मोर गोल्डफिश हो जब तक वेट करें। जब एक साल की हो जाए तो उसके बाद थोड़े साइन होते हैं, जो निशानात होते हैं, उसे देखकर आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ब्लैक मोर गोल्डफिश आपकी मेल है या फीमेल। जैसा कि आमतौर पर ब्लैक मोर गोल्डफिश में मेल जो है लॉन्गर बॉडी होती है और थिनर होती है फीमेल के हिसाब से। फीमेल जो है अंडों को कैरी करती है पेट के अंदर, इसलिए उसका पेट जो है बड़ा होता है, बेली टेप होती है, मोटी होती है और लेंथ में मेल से छोटी होती है। और जब आप टच कर देखेंगे तो मेल का स्टमक जो है, उसका पेट का हिस्सा जो है हार्डी होगा, और फीमेल का आप देखेंगे तो स्मूथ होगा। और फिन्स के बारे में, मेल के फिन्स जो है बड़े होंगे फीमेल के हिसाब से, और फीमेल के फिन्स जो है छोटे होंगे। अपर फिन्स और जो भी फिन्स हैं बॉडी के अंदर पाए जाते हैं मेल के अंदर, ज़्यादा बड़े होते हैं फीमेल के हिसाब से, फीमेल के छोटे होते हैं। और जो वेंट के पास जो नीचे का हिस्सा जहाँ से पोटी करती है वहाँ पर फिन पाए जाते हैं। जो सिंगल फिन पाया जाता है वो मेल है, जो डबल फिन पाए जाते हैं वो फीमेल है। और ऊपर का जो पर होता है, बॉडी के ऊपर वाला पर, वो बड़ा होता है मेल के अंदर और छोटा होता है फीमेल के अंदर। और कलर में जो है मेल डार्क कलर होता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, इसका कलर जो है डार्क होता है ब्लैक में, और फीमेल का कलर जो है डल होता है, डार्क ब्लैक नहीं होता। और इसका वेंट पे आप देखकर मालूम कर सकते हैं, वेंट जो ये हिस्सा कहते हैं जो पोटी करती है वहाँ पाया जाता है, वो भी देखकर आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर जो है वेंट बड़ा होता है, अंडों को ले करती है, अंडों को डालती है, जिसकी वजह से उसका वेंट बड़ा पाया जाता है, फीमेल का बड़ा पाया जाता है और मेल का जो है छोटा होता है। आप इसे भी देखकर आसानी से 100% बता सकते हैं कि मेल और फीमेल डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये थोड़े साइन थे जिसे आप देखकर मालूम कर सकते, जैसा कि उसकी फिन हो गए, उसकी बॉडी और उसकी स्टमच के बारे में, उसके कलर और फिन से, तो उसको देखकर आप मालूम कर सकते हैं कि मेल फीमेल कौन सा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर और भी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, थोड़े साइंस मालूम है तो कमेंट्स में मुझे बताइए। तो चलिए इसी वीडियो के साथ अलविदा कहते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।